हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, हेलो, आवाज नहीं आ रही? हसीब, हाँ हसीब, हुसैन, हसीब, अवैस, आवाज नहीं आ रही? भाई कोई जवाब तो दे। फैसल रजा, अब्दुल मुईज, यमुना, हेलो, अच्छा ये आप लोग मैसेज लिख रहे हैं। ठीक है, आवाज़ मेरी आप लोग कह रहे हैं आ रही है, तो आप लोगों की आवाज़ क्यों नहीं आ रही मुझे? हसीब आप हैं यहाँ पर? हसीब और रहमान, या ये लॉगिन करके चले गए हैं? हुसैन आप हैं? अलाउ नहीं है माइक, एक मिनट रुको। अच्छा, ठीक है, आप करें जरा। हाँ खोले, ठीक जी सर, है, आवाज आ ठीक रही है। है, सर वो सेटिंग चलो ठीक है, बस छोड़े। अच्छा बताओ, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम है तो बताइए। सर बना तो एग्जांपल जी, बताएं क्या कह रही है। एग्जांपल 1 ही की है अभी तो एग्जाम्पल वन की है अभी सिर्फ? सर, बस स्क्रीन चली गई थी। नहीं मतलब ये बाकी तीन नहीं की? नहीं अभी नहीं की है। चलो फिर ये होमवर्क ले लो, मैं तो काफी देर बाद आया हूँ, मैंने कहा कर लिया होगा, तो होमवर्क ले लो, ना हो तो फिर कल बताना, ठीक है? तो आप अच्छा गए ना, विंडो बंद हो गई अबे यार, तो लेकिन लेक्चर तो तुम्हारे तो पास है ना, लेक्चर तो है ना तुम्हारे पास, तो वहां से कर लेते सॉल्व। हैं तुम लोग कार्टून देखने लगे होगे सारे। चलो फिर आगे चलते हैं जी, पढ़िए जरा। हाँ, अब्दुल मुईस, माइक खोलें। अब्दुल मुईस नहीं है? जी सर, जी अब्दुल जी मुईस सर रीड करो। सर कंसीडर द करंट फिगर 6.27 अंडर डीसी कंडीशन। फाइंड आई बी सी एंड आई एल एंड एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर एंड इंडक्टर। जी तो ये देखें, इस पे एनर्जी स्टोर पूछ रहे हैं दोनों में, तो कैपेसिटर का फॉर्मूला अब्दुल मजीद बताइएगा जरा, क्या है एनर्जी का? सर कैपेसिटर का सर 1/2 CV² और इंडक्टर का क्या है? 1/2 LI² बिल्कुल सही, इसका मतलब ये कि कैपेसिटर पर निकालना है तो वोल्टेज चाहिए, इंडक्टर पर निकालना है तो करंट चाहिए, सही कह रहा हूं? सर और दूसरा क्या कह रहा है, अंडर डीसी कंडीशंस का क्या मतलब हुआ मोइस? अंडर डीसी कंडीशंस सर वो पहले में शॉर्ट होगी फिर सर बाद में ओपन। सर क्या मतलब? पहले में शॉर्ट होगी बाद में ओपन, क्या मतलब? मैं समझा नहीं। कैपेसिटर में सर कैपेसिटर में शॉर्ट होगी सर ओपन सॉरी, और सर इंडक्टर में शॉर्ट होगी। हाँ बिल्कुल सही, कैपेसिटर ओपन होगा, इंडक्टर शॉर्ट होगा। अब जरा अगर मैं इसका सर्किट यस बनाऊं, इसका सर्किट बनाऊं तो जरा देखिए कैसा बनेगा। मैं कह रहा हूँ कि ये सप्लाई तो जाहिर है एज इट इज आ जाएगी, कितनी है 12 वोल्ट, और ये रजिस्टर भी एज इट इज आ जाएगा 1 ओम, और ये रजिस्टर भी एज इट इज आ जाएगा 4 ओम, और ये कैपेसिटर आ गया, तो इसको ओपन कर दूं बताएं? यस सर एक तो मुझे ये चाहिए वोल्टेज, दूसरा ये आ गया मेरे पास 5 ओम, और ये इंडक्टर शॉर्ट नहीं हो जाएगा? ये दो चीज चाहिए है, VC और IL। तो सवाल मेरा ये है कि यहां से करंट कितना गुजरेगा बताएं? 0। 0 एम्पियर, तो ड्रॉप भी 0 होगा ना, सही कह रहा हूं? यस सर तो सारा करंट कैसे गुजरेगा, यूं गुजर जाएगा? बोलो भाई। यस सर
तो ये आई एल अगर मुझे निकालना है तो आई एल निकल आएगा, सारा करंट यू उधर है तो क्या आएगा 12/6 2 एम्पियर, ये आ गया बोले। और ये वोल्टेज कहाँ है, इस नोड का और इस नोड का, तो ये नोड तो ये पूरी एक ही नोड हो गई, क्या ख्याल आप लोगों का, सही कह रहा हूँ, ये पूरी एक नोड नहीं हो गई? Yes, sir. और ये वाली नोड भी ये पूरी एक नोड हो गई क्योंकि इस पे कोई ड्रॉप ही नहीं हो रहा 4 ओम पर, सही कह रहा हूँ? Yes, sir. देखा जाए तो वीसी जो है 5 ओम के क्रॉस वोल्टेज नहीं हो गया, कितना होगा तो मैंने आई वी सी भी निकाल लिया, आई एल भी निकाल लिया, आई रह गया तो आई भी आई एल के बराबर ही होगा ना क्योंकि एक ही करंट तो गुजर रहा है, आई यहाँ से आ रहा होगा, एक ही करंट है, ये तीनों निकाल लिया और एनर्जी स्टोर्ड आप निकाल लेंगे खुद ही, हाफ सी वी स्क्वायर और हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है भाई, हो गया। बताइए हेलो जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है सीरीज पैरेलल ये बाद में करते हैं, ये यार ये तो बहुत आसान है ना, ये तो अभी मेरे हाल से करना चाहिए आप लोगों को, करो जल्दी से करो अभी करो, अंडर डीसी कंडीशन इसको शॉर्ट करेंगे, इसको ओपन करेंगे, इसका करंट निकालेंगे, इसका वोल्टेज और एनर्जी निकालेंगे, सब आंसर्स लिखें, जल्दी से करें भाई जल्दी से क्विकली, सिर्फ 2 मिनट दूंगा, 3 मिनट चलें करें।
ओ यस हेलो भाई सॉल्व हो गया? हेलो आवाज आ रही है? जी सर हो गया सॉल्व। आंसर आए 6-4? जी सर हो गया। जी सर चारों आंसर आ गए? जी सर चारों। चलें ठीक है, वेरी गुड। अच्छा कोई किसी का अगर कोई मसला है तो बता दे, नहीं तो हम आगे चल रहे हैं। ठीक है, देखिए भाई सीरीज पैरेलल इंडक्टर्स आ गए, ये आखिरी टॉपिक है इसका। तो सीरीज पैरेलल इंडक्टर बहुत आसान है क्योंकि ये वैसे ही होंगे जैसे कि रेसिस्टर, यानी सीरीज में ऐड करेंगे और पैरेलल में इनवर्स का कॉम्बिनेशन लेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा कैपेसिटर्स में उल्टा होता है, बाकी रेसिस्टर्स और इंडक्टर्स एक जैसे होते हैं, ठीक है ना। तो अब ये बड़ा अच्छा सवाल है। अब देखें इसमें यहाँ निकालना है इक्विवेलेंट, तो यहाँ से चलें, बताएं ये सीरीज में पैरेलल में? सीरीज में है ना, सीरीज। तो 40 मिली जब 20 मिली कितना हो गया? 60 मिली। 60 मिली बोलते हुए क्या तकलीफ हो रही है? 60-60 कर रहे हो। 60 मिली हेनरी, 10 दफा बताया है कि दिस इज द पार्ट ऑफ वैल्यू नॉट द पार्ट ऑफ यूनिट, कितना हो गया बताइए? 60 मिली हेनरी। जी 60 मिली हेनरी। अच्छा 60 मिली और 30 मिली पैरेलल में तो कितना होगा? 20 मिली हेनरी। ये करके देखा है आपने कैलकुलेटर पे? जी सर बिल्कुल ठीक, 20 मिली। 20 मिली हेनरी। अब 20 मिली और 100 सीरीज में हो गया तो 120 मिली। 120 मिली हेनरी। अब 120 मिली और 40 मिली पैरेलल में हो गए तो कितना होगा? 30 मिली हेनरी। 30 मिली और 20 मिली, 50 मिली और 50 मिली, 25। ये आसान क्वेश्चन है जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है। फॉर द सर्किट इन दिस फिगर करंट आपको दिया हुआ है आई टी, ठीक है जी, और आपको दिया हुआ है आई टू का इनिशियल जीरो और पहले पार्ट में निकालना है आई वन का जीरो। ये हमने सॉल्व पहले भी किए थे, ये मैं सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि ये बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं। देखिए सबसे पहले तो आप एक बात देखें, आपको इसको इसकी पूरी वैल्यू दी हुई है ये, और इसकी सिर्फ आपको इनिशियल दी हुई है और इसकी इनिशियल आपसे पूछी है। तो अगर इसकी इनिशियल भी मिल जाए, इसकी इनिशियल दी हुई है तो इसकी इनिशियल निकल आएगी। तो इसकी इनिशियल कैसे होगी? आप कहेंगे इसमें अगर मैं जीरो पुट कर दूं, इसके अंदर जीरो पुट कर दूं तो बताएं क्या आएगा? यहाँ जीरो रखूंगा टी की जगह पर, तो ये ई की पावर जीरो नहीं हो जाएगा बताएं? जी सर, और ई की पावर जीरो वन होता है? जी सर।
और 2 minus 1, 1 minus 1, 4 मिली आ गया। इसका मतलब यहां से 4 मिली आ रहा है जीरो टाइम पर, और यहां से माइनस 1 मिली जा रहा है, यानी कि 1 मिली आ रहा है क्योंकि माइनस है ना, तो जाहिर सी बात है यहां से 4 मिली आ रहा है, यहां से 1 मिली, तो यहां कितना जा रहा होगा? 5 मिली है एम्पियर। पार्ट ए आपने सॉल्व कर लिया जी भाई, बात समझ में आई? जी सर। सर दोबारा रिपीट करेगा, आवाज कट गई थी। देखो मैं कह रहा हूं कि आपने इसका इनिशियल निकाल लिया ना आई जीरो, ये 4 मिली है और ये आपको गिवन था माइनस 1 मिली, तो 4 मिली यहां से आ रहा है, माइनस 1 मिली यहां जा रहा है, यानी उल्टा हो गया, यानी माइनस 1 मिली जा रहा है मतलब 1 मिली आ रहा है, 4 मिली भी आया 1 मिली भी आया, तो दोनों मिलकर नीचे गए 5 मिली एम्पीयर आंसर। सही है? सही है। पार्ट बी, वीटी निकाले, V1T निकाले, V2T निकाले, तो V1T निकाल सकता हूं ये क्योंकि यहां करंट दिया हुआ है, तो V1T पे कैसे निकालूंगा? अच्छा रुके हैं, पहले इसको साफ कर लेते हैं और इसको लिख लेते हैं 5 मिली आंसर इसका पहले वाले का। अच्छा जी V1T कैसे निकालें आप? आपके पास क्या फॉर्मूला होता है? LdIdt, यही होता है, बताइए। जी सर। तो V1 निकालना है तो L कितना है? 2 हेनरी, और D/dt इसका कर दें, तो ये इसका मैं D/dt करूंगा तो क्या आंसर आएगा बताएं? 8 मिली माइनस 4 ई माइनस 10 टी मिली, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? ये कांस्टेंट डिफरेंशिएट तो कांस्टेंट ही होगा, ये आंसर आएगा माइनस 4 माइनस 10 ई माइनस 10 टी मिली, माइनस से माइनस कट गया, यह कितना आया? 10 4 टू जा 8 80 मिली वोल्ट्स, एक आंसर आ गया V1T। बोले जी सर, यानी ये आ गया, ये चीज आ गई। अच्छा और V2T आएगा क्या? हाँ आ सकता है। V2T कैसे आएगा? देखें ये IT की क्वेश्चन दी भी है ना, ये पूरी IT की क्वेश्चन यहां से गुजर रही है, अगर मैं इनको एक कर दूं, इन दोनों को अगर मैं एक कर दूं बताएं, तो ये IT गुजरेगा ना उससे भाई, ये IT डिवाइड हो रहा है ना I1 और I2 में, अगर मैं इनको एक कर दूं तो पूरा IT गुजरेगा ये वाला। हेलो, चलो आपसे रिपीट करो भाई, अगर मैं 4 हेनरी और 12 हेनरी को एक बना दूं, यानी ऐसे कर दूं ऐसे, तो ये पूरे में से IT ही गुजर रहा होगा ना? जी जी सर। और वोल्टेज V2 ही होगा, तो V2 निकाल सकते हो, तो 12 और 4 का कितना होता है? 3 हेनरी, 3 है, तो V2 अगर निकालना है तो अब आप क्या करेंगे? 3 सामने आएगा और D/dt दोबारा इसी को कर दें, तो ये आंसर क्या आया? माइनस 4 माइनस 10 ई माइनस 10 टी, वही चीज आ गई ना, तो V2 का आंसर कितना हुआ? 40 को 2 से क्या था, तो 80, 40 को 3 से करूंगा तो 120 आएगा ना, ठीक है जी। और V2 निकालना है, V2 क्या है इन दोनों का सम? 80 और 120 200 जी भाई, हो गया सवाल पूरा सॉल्व? नहीं नहीं नहीं, कुछ रह गया शायद, I1T और I2T रह गए है ना? यस सर। खैर ये तो हो गया I1T और I2T। ओके I1T पहले करते हैं, I1 की इनिशियल कंडीशन ये रही 5 मिली, तो I1T क्या होता है? फॉर्मूला 1/L, L कितना है? 4 इंटीग्रल, यहाँ का V2 है, V2 ये है 120 ई माइनस 10 टी मिली dt, और इनिशियल कितना है? 5 मिली, ये फॉर्मूला आपको कंप्लीट हुआ। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 120 मिली अपॉन 4 कितना आएगा? 30 मिली ई माइनस 10 टी अपॉन माइनस 10, और लिमिट लगेगी 0 से t प्लस 5 मिली, तो सॉल्व करें जरा इसको क्या आएगा? ये आएगा माइनस 3
मिली ई माइनस टेन टी माइनस वन प्लस फाइव मिली. यहां अगर चला जाऊं तो ये आएगा माइनस थ्री ई माइनस टेन टी मिली माइनस माइनस प्लस थ्री मिली प्लस फाइव मिली. तो आंसर ये नहीं हो गया एट मिली माइनस थ्री ई माइनस टेन टी मिली. ये आपका आंसर आ गया. इसका है ये आई वन टी और आई टू टी निकालना है. तो आप देखें आई टी में से अगर आई वन टी माइनस कर दो तो आई टू टी आ जाएगा. कैसे माइनस होगा ये एट मिली माइनस फोर ई माइनस टेन टी मिली. उसको ये माइनस कर दें माइनस एट मिली माइनस माइनस प्लस थ्री टेन टी मिली. ये कट गया आई टू टी क्या बचा माइनस ई माइनस टेन टी मिली एम. जी ये सॉल्व हो गया. इसमें कोई सवाल है तो पूछिए. इसको आप सॉल्व भी कर लीजिए जरा. हेलो आवाज आ रही है आपको? हेलो आवाज आ रही है? बस आगे ग्राफ के क्वेश्चंस हैं तो ये एक लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन. भाई आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? हेलो सर आ रही है, चेक कर रहे थे. जी इसको सॉल्व कर लें. तो दूसरा इसी तरह का क्वेश्चन है. जी बच्चों जल्दी से बताइए ठीक है या कोई गलती हुई है, क्योंकि मैं बगैर देखे ही सॉल्व कर रहा हूं ना. गलती हो सकती है कोई? हेलो सर ठीक है सर. अच्छा इसमें से कोई सवाल पूछना है किसी ने? जी एनी क्वेश्चन? भाई फिर मैं रब कर रहा हूँ सर. सिर्फ एक या जवाब दे रहा है बाकी. अवैस गुलाम मुर्तजा बताइए. सकलैन यस सर. यमुना भाई क्लियर है सब सबको? यस सर. ओके अच्छा देखिए इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन हमारा, ये टॉपिक हमारा एंड हो जाएगा. तो ये मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ या मुझे कल करके बताएंगे ठीक है, ताकि एक क्वेश्चन तो आप भी करें ना. ये आपका होमवर्क है, ना हो तो मुझे बताइएगा. वैसे ये बिल्कुल सिंपल और पहले भी हम सॉल्व कर चुके हैं ठीक है. यहाँ पर हमारे चैप्टर एंड होता है और नया फिर हम कल ही स्टार्ट कर लेते हैं. क्या ख्याल है आपका? या वक्फा देके स्टार्ट करेंगे या कल ही कर लें? सर कल ही कर लेंगे इंशाल्लाह. कल करेंगे इंशाल्लाह. तो भाई एक काम फिर कर लेना, इसकी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे तरीके से इन सब चीजों की, क्योंकि एक तो कल वाले काम में सब इस्तेमाल भी होंगे. जी फरमाए सर. कल प्रैक्टिस कर लेंगे, बाद में चैप्टर शुरू करवा लीजिए. सॉरी मैं थोड़ा ब्रेक दे दें. कल नहीं कह रहा हूं, ब्रेक दे दें. मैं यही तो पूछ रहा हूं कि अभी ब्रेक कल का. अब यार अथर मेरी बात कल आप बोल रहे ना चैप्टर का. ओ भाई अभी 11 बज रहे हैं, हमारी क्लास 12 बजे तक है या 12 से 1 है एक घंटा. अभी मुझे बताओ 11 बजे खत्म करके 12 से 1 शुरू करूं, ये मैं पूछ रहा हूं आपसे. नहीं नहीं सर बस कल इंशाल्लाह करेंगे. नहीं अथर कल करेंगे इंशाल्लाह सर.
अथर भाई आप कहाँ हैं? आपको बोल रहा हूँ मैं जी जी सर। भाई 11 बजे क्लास खत्म हो रही है तो 12 से 1 क्लास है। मैं ये पूछ रहा हूँ 12 से 1 में शुरू करके चैप्टर नया करवाऊं या कल करवाऊं? तो आप फरमा रहे हैं कि सर 12 से 1 तो छोड़ो, कल भी छोड़ो और परसों शुरू कर दो। तो मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, मैं पूछ रहा हूँ 12 से 1 या कल करूं, बाकी लोग बता दीजिए। जी सर कल इंशाल्लाह से। कल से सही ठीक है, कल इंशाल्लाह हम करेंगे। हमें जल्दी एंड करना है, लैब एक भी नहीं हो पाई यार हमारी। अच्छा लैब मैनुअल्स ले लिया आप सबने? जी सर ले लिया। ठीक है, अब वो यार इत्तफाक ऐसा है, पहले लैब का काम चल रहा था, फिर ईद की छुट्टियां हो गई, फिर अब ये मसला आ गया। तो पुराना लिबास। हाँ भाई बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे तरीके से और असाइनमेंट कम्प्लीट कर लें आप लोग। ठीक है, असाइनमेंट ये है कि मेरी अब अगर इसी वीक रहा तो नेक्स्ट वीक मंडे को मैं असाइनमेंट ले लूंगा आपसे सारे के सारे, यानी जिनकी डेट हो चुकी होंगी इस वीक में। और इन केस अगर कोई चीज बढ़ती है तो फिर आपको ऑनलाइन जमा करवाना पड़ेगा स्लेट पर। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए असाइनमेंट आप लोग अपने सीलो वन के तो कंप्लीट कर लें। आई थिंक मेरे यहाँ से 3 असाइनमेंट सीलो वन के हैं और 1 सीलो टू का है, तो सीलो टू का रहने दें, वो तो अभी हुआ भी नहीं टॉपिक, सीलो वन के सारे कंप्लीट कर लें। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सर यस सर। चलिए फिर इंशाल्लाह मिलते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कोई सवाल पूछ रहे हैं किसी ने? एनी प्रॉब्लम? यस सर। चलें ठीक है। अच्छा अच्छा मैं आप लोगों को ना ये वीडियोस अपलोड कर दूंगा। अटेंडेंस YouTube पे। हाँ YouTube पे मैं अपलोड कर दूंगा और स्लेट पर उसका लिंक डाल, जैसे वो डाल रहे थे हम अपने नॉर्मल सेमेस्टर में ना। तो अटेंडेंस सर हमें ही भेजेंगे वीडियोस। एक मिनट रुको, मैं ये तस्वीर ही खींच रहता हूँ अटेंडेंस की ना। क्या बोल रहे हो दोबारा बोलो? सर ये वीडियोस आप हमें नहीं भेजेंगे? अरे बोल तो रहा हूँ, स्लेट पे लिंक डाल दूंगा ना। ओके सर ओके, जैसे हम वहां करते थे पहले। सर मेरे पास इसकी ना मास्क अपलोड नहीं हुई। क्या कह रहे हो? बस तो इसकी मास्क अपलोड नहीं हुई यार, वो बाद में देखेंगे जब यूनिवर्सिटी खुलेगी ना फिर करेंगे। ठीक है ओके चलें फिर। ओके अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।